तो लास्ट क्लासेस में हमने पिवट टेबल से रिलेटेड चीजें जानी थी, जिसमें हमने बताया था कि एक्सटर्नल पिवट टेबल हम कैसे लगाते हैं, और हम पिवट टेबल में ही आगे बढ़ रहे हैं, और पिवट टेबल में हम बात कर रहे हैं कुछ मिसलेनियस जो के बारे में जो कि छूट गई है हमसे, फिर आगे की पिवट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ मिसलेनियस पिवट टेबल के ऑप्शंस के बारे में हम आज की इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इन शॉर्ट किया एक नया कुछ और पिवट टेबल, इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। ये तो दिया ही नहीं। कुंदन बोल रहा हूँ, सुन नहीं हो रहा है। हाँ आ गया, आ गया। अब जैसे कि इसमें मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डैशबोर्ड रखता हूँ, और यहाँ पे मैं सैलरी रखता हूँ, डिपार्टमेंटल सैलरी। अब यहाँ ऊपर पिवट टेबल एनालाइज टूल्स होता है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। पहले डिजाइन तो हम कर चुके हैं, डिजाइन में पिवट टेबल का डिजाइन होते हैं, यहाँ पे हेडिंग वगैरह लगाना होता है, रिपोर्ट लेआउट होता है, और सब टोटल वगैरह होता है, हमने ऑप्शन की चीजें देखी थी। पिवट टेबल एनालाइज की बात करें तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, साइड से फील्ड लिस्ट। अगर मैं इसको रखा तो फील्ड लिस्ट जो साइड में जहाँ से हम अपने फील्ड्स को ड्रॉप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, वो हट जाता है इस तरह से। प्लस प्लस और माइनस का बटन, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ को भी यहाँ रख दिया सब हेडिंग में, तो ये जो प्लस और माइनस का बटन बनता है, जैसे कोलैप्स और एक्सपेंड होता है, तो इस कोलैप्स एक्सपेंड बटन को यहाँ से अगर डिसेबल करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते। उसके बाद फील्ड का हीडर, जो फील्ड का हीडर ऊपर होता है, वो आप चाहते हैं तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद हमारा आता है रिकमेंडेड पिवट टेबल। अब इसके बारे में जानिए, जैसे कि इस पर मुझे पिवट लगवाना है और मुझे पिवट के बारे में जरा कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो हम इंसर्ट पर जाएंगे और रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, रिकमेंडेड पिवट टेबल अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो आपको इस डेटा पे पॉसिबिलिटी बताएगा कि इस कितने तरह के पिवट बन सकते हैं, एक-एक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो पिवट आपके रिक्वायरमेंट में है, उस ए पिवट मुझे रिक्वायरमेंट में है, तो हम इस पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ओके कर दें। ए पिवट हमारे लग गया। रिकमेंडेड पिवट इसी चीज के लिए होता है। पिवट चार्ट की बात करें तो पिवट से अटैच अगर हम कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो हम पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा चार्ट बन जाए। अब जरूरी नहीं कि चार्ट के लिए हमें पिवट चार्ट पे ही जाना पड़ेगा, हम यहाँ इन पिवट पे क्लिक करके इंसर्ट पे भी अपने जो चार्ट हमें चाहिए उस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पिवट चार्ट ही बनेगा। और पिवट चार्ट के भी अपने फॉर्मेट्स होते हैं, इसको अपने हिसाब से इसकी फिलिंग, इसके कैप्शन, इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जब हम चार्ट आपको पढ़ाएंगे तो इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे, फिलहाल आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको यूज कीजिए। पिवट चार्ट के बाद हम बात कर रहे हैं अगला ऑप्शन, हम इसमें आते थे कैलकुलेशन में, आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें रिलेशनशिप ऑप्शन है, वो हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, फिलहाल इसको स्किप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन, दो ही एक ही रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे अगर बटन्स रखे हों तो एक एक करके क्लियर करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो यहाँ से आप क्लियर ऑल कर सकते हैं, या फिल्टर लगा है तो क्लियर फिल्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिलेक्ट, अब एंटायर पिवट टेबल को सिलेक्ट करना है, या सिलेक्ट करना है लेवल्स को, या सिलेक्ट करना है वैल्यू को, या सिलेक्ट करना है ओनली फॉर लेवल को, क्या दे सकते हैं। लेकिन इसका यूज हम लोग ज्यादातर वीवीए के साथ जब पिवट को इंट्रैक्ट करते हैं उस समय करते हैं। इसमें एक आता है अनेबल सिलेक्शन। अब इस अनेबल सिलेक्शन को एक बार जान लीजिए क्या होता है। जैसे मैं इसके लिए मैं दो ऑप्शन यहाँ रखता हूँ, मैं पिवट को यहाँ मंथ को यहाँ रखता हूँ, कमलेश जी लेट आए क्या आप? लेट हो गया। अच्छा,
यहाँ पे हमने रखा, अभी देखिए इसमें हमारा अनेबल सिलेक्शन, देखिए यहाँ अनेबल सिलेक्शन, अनेबल सिलेक्शन अगर मैंने ऑन रखा, बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है, पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ ऑन था, तो क्या होगा कि अगर मैंने इसको देखिए यहाँ पे बलर आ रहा है ना माउस, अगर हमने इस पर क्लिक किया तो पूरा डेटा सिलेक्ट होगा, और ऐसे ऐसे इस पे क्लिक हुआ तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है वो हमारा सिलेक्ट होगा। ये होता है किस से आपका अनेबल सिलेक्शन। दूसरी चीज, हमने पिवट टेबल यहाँ तो लगाए लेकिन मुझे यहाँ नहीं रखना है, मुझे C2 पे जाना है पिवट को लेकर, टू पे मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो वी कैन यूज द मूव पिवट टेबल। मूव पिवट टेबल कहाँ पे जाना है उस लोकेशन को आप यहाँ दे दें और फिर ओके कर दें, आपकी पिवट टेबल वहीं पे आ जाएगी। ये हमारा मूव पिवट टेबल की बात होती है। अब बात करते हैं चेंज डेटा सोर्स। इसमें कनेक्शन प्रॉपर्टीज है जो कि डिसेबल है, इसे डिसेबल है क्योंकि हमने जो पिवट लगाया है वो पिवट लगाया है सिम फाइल में सीड के अकॉर्डिंग, हमने एक्सटर्नल पिवट टेबल नहीं लगाया है। जब आप एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाओगे तो ये ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, चेंज सोर्स मतलब कि आपका डेटा कम है ज्यादा है बढ़ा है तो आप उसको यहां से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पिवट टेबल में ये होता है चेंज। रिफ्रेश, हम पिवट के डेटा में कुछ चेंजिंग करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं स्लाइसर्स के बारे में, हम आपको आगे क्लासेस पढ़ाएंगे। तो ये जो प्लस माइनस होता है इसको ग्रुप अनग्रुप, नहीं ग्रुप अनग्रुप तो मैंने पढ़ाया ना, जब हम इसको सिलेक्ट करके इसको ग्रुप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप तो मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बाकी चीजें भी ऑप्शंस हैं, फिल सेटिंग में हम सम वगैरह पढ़ाते हैं वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। पिवट टेबल ऑप्शंस की बात करें तो पिवट टेबल ऑप्शंस में हमने आपको इसमें भी मोस्टली चीजें हमने आपको पढ़ा दी। उसके बाद इसमें एक चीज और आता है, सो यहाँ पे जनरेट गेट पिवट और सो रिपोर्ट फिल्टर पर भी, ये न्यू चीज है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीट जो है उसको हटा देता हूं, अब मैं यहां से एक पिवट लेता हूं, एक डेटा एक रिपोर्ट क्रिएट करता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि डिपार्टमेंट को लिया और रो में रखा, और मैंने यहाँ पे सैलरी रखा, मैं यहाँ पे बोनस रखा, ओवर टाइम रखा और नंबर ऑफ एम्प्लॉय रखा कि कितने एम्प्लॉय में कितने हैं, ये हमारा एक रिपोर्ट बन गया। अब मुझे रिपोर्ट मंथ वाइज है तो हमने मंथ पे यहाँ रख दिया। तो मुझे अब यहां से मंथ सिलेक्ट करता हूं, मैं लिखता हूं अप्रैल, तो मुझे यहां पे अप्रैल महीने का टोटल रिपोर्ट दिख जाता है।
मैं करता हूं तो मई महीने का रिपोर्ट दिख जाता है। अब यहां पे क्या है कि ये तो चल ठीक है, अभी तो ठीक है हमारा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे हर महीने की अलग अलग रिपोर्ट चाहिए। ध्यान रखिएगा, मुझे हर महीने की अलग अलग रिपोर्ट चाहिए, मतलब कि पहला पिवट क्रिएट हो सीट पे, उसका नाम आप जैन हो, और यहाँ पे मैं भी जैन लिख दूँ इस तरह से। तो इसके लिए आपको जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है उसको फिल्टर में रखेंगे। ये सबसे पहला स्टेप है, ध्यान रखें। फिर पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ ऑप्शन पे आके हम करेंगे शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज। और जो फील्ड आपने फिल्टर में रखा, आप जोड़िए नहीं कि फिल्टर में एक ही हो, इसमें कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह से रखने से आपका एक ये होता है, आपके यहाँ शो आएगा कि सिलेक्ट किसी एक को अकॉर्डिंग कर रहा है, इसको ओके कर देते। तो ओके करते देखिए हर सीट का, हर देखिए जितने फिल्टर में मंथ है उतने सीट से आप बन गए। समझ में आप लोगों को कि नहीं? सर सुपर सर बढ़िया। इसका इस्तेमाल कर, जब ट्राई करके देखिएगा। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पे आता है जनरेट गेट पिवट डेटा। कि हम लोग किसी डेटा को लिंक करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। डायरेक्ट हमने आप लिख दिया B2 या B3 V4 कर देता हूँ, लिंक हो गया। या दूसरा तरीका है कि हम इसको क्लिक करते हैं, जैसे आप पिवट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट पिवट का डेटा रख। तो गेट पिवट होने से क्या फायदा है, देखिए 14 दिख रहा है ना, अगर मैं राइट क्लिक करके शॉर्ट कर देता हूँ स्मॉलर टू लार्जर, तो यहाँ आपका चेंज हो गया 5, क्योंकि ये सेल को रेफरेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ आपका 14 रहा है क्योंकि गेट पिवट डेटा लगा हुआ है काउंट बाय नेम, और इसमें A3 जैसा पिवट स्टार्ट है, डिपार्टमेंट में हमें IT चाहिए। अब मुझे डिपार्टमेंट में आईटी नहीं, डिपार्टमेंट में मान लीजिए मुझे फाइनेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ फाइनेंस। हमारा फाइनेंस का डेटा आ गया। अब मैं इस पे फिल्टर लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने मई का फिल्टर लगाया तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो रहा है। तो गेट पिवट डेटा इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया गेट पिवट डेटा का फॉर्मूला? ये अपने आप ले लेता है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, मुझे डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, किसी और के अकॉर्डिंग चाहिए तो भी उसको कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे दो फील्ड हुआ, मान लीजिए मैं यहाँ पे मंथ को ऊपर नहीं नीचे कर, यहाँ 3 आ रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट पे मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मंथ, मैंने इसको सेलेक्ट किया और हमने मान लीजिए मार्केटिंग में दे दिया। अब देखिए क्या बना, अब इसमें मल्टीपल कंडीशन लग गई, गिफ्ट पेवर डेटा डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स और मंथ में जैन, ठीक है? कोई डाउट इसमें गेट पेवर डेटा में? नो सर। सर इसका यूज तो के कहाँ पे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको पिवट आपने लगाया हुआ है डेटा सोर्स में, और कहीं डैशबोर्ड वगैरह पे कहीं भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें और आपका डेटा उसकी अकॉर्डिंग आए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मंथ को इसको रेफरेंस भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस आ रहा है। अगर मैं जैसे जैन लिखूंगा जैन का डेटा आएगा, फैब लिखूंगा फैब का आएगा, मार्च लिखूंगा मार्च का डेटा आएगा, मार्च नहीं है, ठीक है ना? क्लियर है?
ओके सर। तो अगर मान लीजिए कि इन केस अगर आपका ये फॉर्मूला जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि पिवट टेबल के एनालाइज में यहाँ ऑप्शंस में जनरेट पिवट टेबल पे अनचेक, समझे? क्लियर सर? Yes, sir. तो चेक कर लेंगे। तो आई थिंक हमने पिवट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी कर दी। अभी तक जो मैंने चीजें सिखाया वो चीजें जो है आपकी पिवट पे भी इसमें एक्सेल के इसमें 2007 तक था। अब जो मैं फीचर सिखाने वाला हूँ वो 2007 के ऊपर का चीज है, जैसे 16, 13 और 19 की चीज। तो अब आगे की चीजें जो है अगर आपके पास नहीं है वर्जन तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आप लोग अरेंज कर लीजिए प्लीज। 2010 किसी के पास है तो 2010 भी होगा, लेकिन उसमें बहुत आइटम नहीं होगा, तो आप भी अगर अरेंज करें तो ठीक रहेगा। तो आज हम आगे 2013 है। हाँ तो है, तो ठीक है, कुछ चीजें नहीं होगी। अब पूरा 19 की चीजें उसमें थोड़ी होगी, जो चीज नहीं होगी मैं बता दूंगा आपको, ये चीज नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय। अच्छा लग रहा है मैंने रिकॉर्डिंग अभी का नहीं किया है, गलती से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो किसी ने रिकॉर्ड अगर किया है शुरू से, एक बार देख लेता हूँ मैं रिकॉर्ड हुआ है। नहीं हुआ सर, प्लीज मुझे इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। किसी ने अगर शुरू से रिकॉर्ड किया है तो गूगल के जरिए मेल कर दीजिए प्लीज, ठीक है सर? ओके सर। यस सर, गुड नाइट सर।